ये आया है मेरा पार्सल। मैंने बाबू के लिए कुछ ऑर्डर किया था तो वही है। और अभी ये देख सकते हैं आप क्या है, बहुत लोग देखकर जान गए होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम इस खूबसूरत रास्ते से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। और क्या करने जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, जा रही हूँ एक साल बाद जा रही हूँ मैं, काफ़ी समय बाद जा रही हूँ। पिछले साल जब मैं थी तब जाती रहती थी, बोर हो जाती थी तो मैं जाती थी, पर इस बार बाबू हो गया है तो बाबू को देखना पड़ता है कि उसको लेकर मैं साथ में नहीं जाती हूँ। तो अभी कुछ ज़रूरी काम है तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और ये देखिए आप लोग, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आप लोगों को दिख सकता है मंदिर। और इधर जो है वो ज़्यादातर खेती होती है। तो आप लोग इधर का एरिया देखिए कैसा है। पहली बार मैं अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि एमपी का इलाका कैसा है, एमपी में जो हमारा ज़िला है, हमारी तहसील है, वो कैसा है। तो ये देखिए आप लोग कि कैसा है। और ये जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है वो यहाँ का फेमस मंदिर है, शनि मंदिर है। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कभी मैं जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी यहाँ का ब्लॉग। पहले अक्सर जाते रहते थे हम लोग, क्योंकि ये सिटी तो है नहीं कि कहीं पार्क चले गए या कहीं मॉल चले गए, तो हम लोग यहीं पर अक्सर जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। तो अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ का पुल है और इसके नीचे होता है ईंटे बनाने का काम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईंटे बना रहे हैं सब लोग। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपनी बना ली थी कि पता तो चले कि मैं बैठी हूँ बाइक पे, कि नहीं, काफ़ी तेज बाइक चला रहे थे ये। जब हम इंदौर में थे तो हमारे पास एक अलमीरा था, तो वो वहीं पर छोड़कर आए थे। काफ़ी सारा सामान जो है वो वहीं पे छोड़ दिया था इन्होंने, बहुत कम सामान लेकर आए थे, मतलब बेड वगैरह लेकर आए थे। वो अलमारी छोड़ने का रीज़न इसलिए था कि वो अलमारी काफ़ी पुरानी थी और यहाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए मुझे अलमारी लेनी थी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अलमारी ले लूँ मैं, अपने लिए कपड़े वगैरह रखने रहते हैं। हम लोगों का तो काम चल जाता था, हमारे पास लगेज बैग था उसमें कपड़े रखे रहते थे, पर बाबू के कपड़े रखना पड़ता था इधर से उधर व्यवस्थित तरीके से, तो इसलिए मैं अलमारी ले रही हूँ। तो ये यहाँ पर अलमारी देखने के लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि किस तरह की अलमारी अच्छी रहेंगी, तो उन्होंने पूछा था कि हमें लेने देने के लिए देना है या घर के लिए देना है, तो उस हिसाब से अलमारी यहाँ पर देख रहे हैं। 18,000 से स्टार्टिंग थी अलमारी की। तो अलमारी देखकर हम लोग आ गए, हमें भूख लगी थी तो हम काफ़ी, मतलब मैं, यहाँ का एक अच्छा फूड है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, वो है बेक समोसा। वो यूपी में शायद मिलता है या नहीं मिलता, मैंने खाया नहीं है। वहाँ पर समोसा ज़रूर खाया है जिसमें अंदर मसाला भरा हुआ होता है, पर वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ का मैंने बेक समोसा खाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक बेक समोसा हमने ऑर्डर किया है, वो हमारा बेक समोसा बना रहे हैं सामने। और यहाँ पर मैं कुछ बातें कर रही थी कि एक साल बाद मैं खाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैं घर पर रह कर आई हूँ ना अपने, इसलिए ये हमारा बेक समोसा रेडी हो गया है और हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें भरते हैं थोड़ा सा आलू रहता है और ये मैदे का रहता है पूरा बेक किया हुआ, और सॉस भरते हैं, प्याज होता है। और मेरा बाबू बात नहीं करने दे रहा, बहुत चिल्ला रहा है। और सेव डाल देते हैं, जो यहाँ की स्पेशल सेव रहती है वो डालते हैं, कोई लोग बारीक सेव भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर बाद में बोला कि एक कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं साथ में, तो यहाँ पे फिज़ ली थी हमने एक, तो वो हम लोग पी रहे हैं।
पति देव जी मेरे खा रहे हैं रबड़ी यहाँ। तो मैं इधर आकर बैठ गई थी और इन्होंने ये लस्सी अपने लिए ली थी, मुझे लगा कि रबड़ी ली है, मैंने रबड़ी बोला था, तो मेरे लिए ये रबड़ी आ गई है, मुझे बहुत पसंद है। तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, मेरा मन करता है जब, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ रबड़ी। और मैं बोल रही थी कि जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको यही लगेगा कि ये अपनी बीवी को खिलाने के लिए लेकर जाता है, तो मैंने बोला था कि मैं अपने पैसों से खा रही हूँ, किसी के पैसों से नहीं खा रही हूँ। तो ऐसे बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो सब लोग देखते हैं, हमारी फैमिली भी देखती है, सब लोग देखते हैं। कुछ लोग कैसी बातें बनाए या क्या, वो उनके लिए है ये। तो हमने ऑर्डर कर दी थी और ये हमारा आ गया है, रिक्शा टेम्पो से आया है, टेम्पो बोलेंगे कि डाला बोलेंगे पता नहीं, पर ये यहाँ घर तक आ गया था। अलमारी देखने गए थे, दो तीन जगह और गए थे, वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, हर जगह अच्छा नहीं लगता है रिकॉर्डिंग करना, तो इसलिए। तो ये पापा और ये निकलवा रहे हैं, उतरवा रहे हैं, और ये अलमारी जो है वो हमें पड़ी है, हमने देख कर आई थी 9,500 की, पर ये 8,000 की लेकर आए हैं मजबूती में, बाकी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, 18,000 तक अच्छी क्वालिटी की अलमारी थी, तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा घर जो है वो बनना है और फर्नीचर वाली अलमारी हम लगवाएंगे, तो इस वजह से हमने टेम्परेरी काम चलाने के लिए ये वाली अलमारी ली है, बाद में फिर काम नहीं आएगी। तो आप लोगों को कैसी लगी अलमीरा मेरी, और ब्लॉग कैसा लगा, और हमारे यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्षेत्र कैसा है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ब्लॉग जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।